गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस वीडियो फ्रॉम आरएसएम विद्या आश्रम स्कूल फॉर क्लास फर्स्ट स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडीज मैथमेटिक्स चैप्टर 1 इन टर्म 2। ओके, सो जल्दी से आप अपनी बुक्स निकाल लीजिए। पेज नंबर 44 पे आपका चैप्टर नंबर 1 दे रखा है, कंपैरिजन। क्या है कंपैरिजन? अब हमें नंबर्स को कंपेयर करना है, कौन सा नंबर बड़ा होता है और कौन सा नंबर छोटा होता है। वी शैल लर्न इन दिस चैप्टर, हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे? कंपैरिजन ऑफ वन डिजिट नंबर, कंपैरिजन ऑन द नंबर लाइन, कंपैरिजन ऑफ टू डिजिट नंबर। वी नो अबाउट साइंस, दिस साइंस फॉर यूज लेस देन एंड दिस greater than and this is equal। comparison of one digit number, देखिए क्या लिखा है। there are 4 girls and 6 pants, if each girl takes 1 pant we are left with 2 pants, so it is clear that 4 is smaller than 6 and it is written as 4 less than 6। यहाँ देखिए, यहाँ 4 girls दे रखी है, 1, 2, 3 and 4, और इधर 6 pants दे रखी है। अगर हर एक गर्ल एक पैंट लेती है तो भी हमारे पास 2 पैंट बच जाएंगी, तो हमारे पास पैंट्स क्या हुई? ज्यादा हुई। यहाँ आएगा 4 और यहाँ आएगा 6, यानी नंबर 6 जो है 4 से क्या है? बड़ा है। तो इसे ऐसे लिखा जाएगा, 4 इज लेस देन नंबर 6। नेक्स्ट देखिए, there are 8 straw and 5 bottles of cold drink, if we put 1 straw in 1 bottle each then we are left with 3 straw, so it is clear that 8 is greater than 5 and it is written as this type। straws hain aur hamare paas 5 bottles hain, 8 straws hain, to har ek bottle mein hum agar ek straw dalte hain na to bhi 5 straw hi jayenge, yani 3 hamare paas bach jayengi, to 8 स्ट्रॉ क्या हुई? ज्यादा हुई, ग्रेटर देन 5, यानी नंबर 8 जो है नंबर 5 से क्या होता है? बड़ा होता है। नेक्स्ट देखिए, देयर आर 7 कप्स एंड 7 saucers, इफ ईच कप इज पुट ऑन 1 saucer देन वी आर लेफ्ट विद नथिंग। अगर हम हमारे पास 7 कप्स हैं और 7 प्लेट्स हैं, अगर हर एक कप को एक प्लेट पे रखा जाए तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, ना कप बचेंगे और ना प्लेट्स बचेंगी, तो क्या हो जाएगा? दोनों इक्वल हो जाएंगे, सो इट इज क्लियर दैट 7 इज इक्वल टू 7 एंड इट इज शोन एज 7 इक्वल टू 7। दिस साइन इज फॉर ग्रेटर देन, दिस साइन इज फॉर लेस देन एंड इज फॉर इक्वल टू। नाउ काउंट द ऑब्जेक्ट फिल इन द सर्कल विद द एप्रोप्रिएट साइन। अब देखिए, यहाँ कितनी गर्ल्स है? 1, 2, 3, 4, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 4। यहाँ कितनी है? 1, 2 एंड 3, तो ये है 3। यहाँ साइन इस तरीके से दे रहेगा, यानी 4 गर्ल्स क्या है? ज्यादा है 3 गर्ल्स से। यहाँ देखिए 1, 2, 3, यहाँ आएगा नंबर 3 और यहाँ आएगा 2। अब कौन से ज्यादा है, टाइगर ज्यादा है या गर्ल्स? गर्ल्स ज्यादा है ना, तो हम क्रोकोडाइल का मुंह किस तरफ खोल देंगे? इस तरफ। ओके, 3 इज ग्रेटर देन 2। नाउ टाइगर कितने हैं यहाँ? 2, और यहाँ कितने? 1, 2 एंड 3। अब देखिए, किस में ज्यादा क्वांटिटी है टाइगर की? इसमें, तो क्रोकोडाइल यानी हमारा साइन कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा, जिस तरफ आपको ज्यादा नंबर दिखे आप इस साइन का मुंह उस तरफ खोल दें। ओके, जिससे आपका आंसर क्या रहेगा? ऑलवेज करेक्ट रहेगा। नाउ यहाँ देखिए, डॉग्स काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4 एंड 5, और यहाँ 1, 2, 3 एंड 4। कौन सा ज्यादा है? दिस वन, 5 डॉग्स ज्यादा है। द क्रोकोडाइल का मुंह किस तरफ खुलेगा? इस तरफ। 1, 2, 3 एंड 4 एंड 1, 2 एंड 3 हैंड्स, तो कौन से डॉग्स ज्यादा है? डॉग्स की तरफ मुंह खोलिए।
Now, this 1, 2 and 3. And 1, 2 and 3. यानी दोनों बॉक्स में हैन इक्वल है, तो यहाँ क्या साइन आएगा? इक्वल का साइन आएगा. ओके, अब देखिए कंपैरिजन ऑफ द नंबर लाइन. लुक एट द नंबर लाइन. नंबर लाइन को देखिए, नंबर लाइन पे आपके पॉइंट्स दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. ग्रेटर देन का साइन ये होता है 7 इज टू द राइट ऑफ 5. 7 5 के राइट में है, यानी नंबर 5 ये है. और जिस हैंड से हम लिखते हैं वो हमारा क्या होता है? राइट हैंड होता है. तो 7 कहाँ है? 5 के राइट में है. 5 कम्स बिफोर 7. 5 जो है 7 से पहले आता है. यस, 7 इज मोर देन 5. 7 मोर देन यानी ज्यादा है. 7 ज्यादा है 5 से. जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते जाते हैं क्या होते जाते हैं? पीछे वाले नंबर्स छोटे होते जाते हैं. जैसे 2 से 1 छोटा है, 3 से 2 छोटा है, 4 से 3 छोटा है, 5 से 4 छोटा है. 7 इज ग्रेटर देन 5. और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 इज ग्रेटर देन 5. नाउ 3 इज टू द लेफ्ट ऑफ 5. 3 5 के लेफ्ट में है, यानी इस तरफ हमारे इस हाथ की तरफ है. तो 3 क्या हुआ? छोटा हुआ 5 से. 3 कम्स बिफोर 5. 3 5 से पहले आता है. एंड 3 इज लेस देन. लेस देन यानी कम. 3 5 से कम नंबर है. एंड 3 इज स्मॉलर देन 5. और स्मॉलर देन का साइन क्या आ जाएगा? ये जो नंबर बड़ा होता है, हम क्रोकोडाइल का मुंह उसकी तरफ खोलते हैं. तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे. 2 इज इक्वल टू 2. 2 के 2 बराबर होता है. 6 इज इक्वल टू 6. 6 6 के बराबर होता है. ओके, नाउ यूज द नंबर लाइन टू कंपेयर द गिव नंबर, द गिवन नंबर एंड देन पुट द करेक्ट सिंबल. अब देखिए करेक्ट सिंबल दिस इन द सर्किट. अब आप ऐसे कीजिए, आप नंबर लाइन को यूज ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे. अब देखिए 5 और 4, तो इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है? 5. यानी 5 कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है. और 4 कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है. अब हमने बताया था जिस हम इस तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है? नंबर्स बड़े होते हैं. तो 4 क्या हुआ? 5 से छोटा. तो क्रोकोडाइल का मुंह किस तरफ खुलेगा? 5 की तरफ. 4 एंड 8, कौन सा नंबर बड़ा होगा? 4 यहाँ पे है और 8 यहाँ पे है. तो हम इस तरफ जा रहे हैं तो नंबर बढ़ रहे हैं, यानी 8 बड़ा है. तो 8. नाउ 4 से 9. 9 इज ग्रेटर देन 4. तो नेक्स्ट 3 आप क्या करेंगे? होमवर्क में करेंगे. अब देखिए रॉन्ग वन को टिक करेक्ट करना है. टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग. 5 इज लेस देन 6. 5 6 से कम होता है क्या? नो. नो या यस? यस. 5 जो है देखिए इधर आ रहा है और 6 का आ रहा है इधर आ रहा है. तो ये क्या है? राइट. 2 लेस देन 5, राइट. 6 लेस देन 8, राइट. अब नेक्स्ट 3 आप होमवर्क में करेंगे. कंपैरिजन ऑफ 2 डिजिट नंबर. अब पहले हम 1 डिजिट नंबर को कंपेयर कर रहे थे, अब हम 2 डिजिट नंबर को कंपेयर करेंगे. कंपैरिजन बिटवीन अ 1 डिजिट एंड अ 2 डिजिट नंबर. ऑब्वियसली अ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ 1 डिजिट नंबर. अब देखिए यहाँ पे 2 डिजिट यानी दो बार लिखना है, 1 एंड 1, और इधर सिर्फ 1 बार ही लिखते हैं हम. तो क्या हो जाएगा? हमेशा 2 डिजिट नंबर जो है वो 1 डिजिट नंबर से क्या रहेंगे? बड़े रहेंगे. तो देखिए 9 इज लेस देन 11 एंड 79 इज ग्रेटर देन 1. ओके, अब देखिए कंपैरिजन बिटवीन 2 डिजिट नंबर. रूल 1, कंपेयर द टेंस डिजिट ऑफ द 2 नंबर्स. द नंबर विद द ग्रेटर टेंस डिजिट विल बी ग्रेटर. फॉर एग्जांपल बिटवीन 64 एंड 57 द टेंस डिजिट 6 ऑफ 64 इज ग्रेटर देन. अब इसमें आप क्या करें? पहला पहला नंबर देखिए. देखिए यहाँ पे ऐसे समझेंगे हम इसे, यहाँ है 6 टेंस, यहाँ है 4 वंस, 5 टेंस 7 वंस. तो देखिए जो आपका फर्स्ट नंबर होता है ना, यहाँ 6
64 और यहाँ है 57. तो फर्स्ट नंबर देखिए, यहाँ 6 है और यहाँ है 5. तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ? 6. तो क्रोकोडाइल का मुंह किस तरफ खुलेगा? इस तरफ. यानी 64 क्या होगा? 57 से बड़ा नंबर होगा. ओके. अब देखिए, हम इसके डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं. पुट द करेक्ट साइन 29, 34. तो देखिए, यहाँ 2 है और यहाँ है 3. जब हम 2 और 3 लिखते हैं तो 3 इधर आता है, यानी बड़ा नंबर है. तो कौन सा 3 बड़ा होगा? तो साइन आएगा हमारा ये. 29 इज लेस देन 34. अब यहाँ देखिए, यहाँ है 4 और यहाँ है 2. तो कौन सा नंबर बड़ा होगा? 4. तो क्रोकोडाइल का मुंह किस तरफ खोलेंगे हम? इस तरफ. इधर है 9, इधर है 8. तो कौन सा नंबर बड़ा होगा? 9. तो क्रोकोडाइल का मुंह किस तरफ खुलेगा? इस तरफ. नाउ इधर देखिए, 1 and 8. कौन सा नंबर बड़ा होगा? 8. तो क्रोकोडाइल का मुंह इस तरफ खुलेगा. अब देखिए, यहाँ आए हैं आपके ये 2 होमवर्क. ओके, एक्सरसाइज में देखिए, एक्सरसाइज में भी आपको यही करना है. पहले देखिए, जो नंबर बड़ा होता है ना, क्रोकोडाइल उसको खा लेता है, तो उसकी तरफ ही मुंह खोलेगा. यहाँ देखिए 2 और यहाँ है 7. तो कौन सा नंबर बड़ा है? 7. तो क्रोकोडाइल का मुंह इस तरफ खुलेगा. यहाँ है 1, 9. तो 9 बड़ा है, तो 9 की तरफ जाएगा क्रोकोडाइल. इधर है 4, इधर है 2. तो कौन सा बड़ा हुआ? 4. तो इधर खुलेगा. 3 and 8. यहाँ देखिए, यहाँ 2 डिजिट नंबर है और यहाँ 1 डिजिट है. तो ऑब्वियसली 2 डिजिट नंबर आर ग्रेटर देन 1 डिजिट नंबर. ओके, नाउ दिस 2 फॉर योर होमवर्क एंड प्रैक्टिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लुक एट द नंबर लाइन गिवन बिलो द एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बाय मार्किंग राइट एंड रॉन्ग इन द स्पेस प्रोवाइडेड. आपको नंबर लाइन को देख के इन क्वेश्चन के आंसर देने. 5 इज टू द लेफ्ट ऑफ 10 ऑन द नंबर लाइन. 5 नंबर जो है वो 10 के लेफ्ट साइड में है. यस, हम इस तरफ लिख रहे हैं, यानी हमारा ये कौन सा हैंड है? राइट हैंड है ना, और इधर कौन सा आएगा? लेफ्ट हैंड. तो 5 कहाँ है? लेफ्ट में है ना. दिस स्टेटमेंट इज राइट. 3 इज टू राइट ऑफ 7 ऑन द नंबर लाइन. 7 नंबर के 3 क्या है? राइट में है. पर ये तो लेफ्ट में है ना, राइट तो हमारा ये है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. 11 इज टू द राइट ऑफ 8. 11 नंबर जो है वो 8 नंबर के राइट में है. यस, 8 नंबर यहाँ पे, तो राइट हैंड साइड में है 11, देन इट इज राइट. फिल इन द ब्लैंक्स विद राइट और लेफ्ट. राइट और लेफ्ट. 20 इज टू द डैश ऑफ 27. 20 जो है, ये रहा नंबर 20. 27 के किधर है? राइट साइड में तो नहीं है, तो कौन से साइड में? लेफ्ट. 20 इज टू द डैश ऑफ 18 ऑन द नंबर लाइन. 28 ये रहा और 18 ये रहा. हम इस साइड जा रहे हैं, तो 28 कहाँ रहा है? राइट हैंड साइड में, देन इट इज राइट. 30 इज टू द डैश ऑफ 29. नंबर 30 29 के राइट साइड में. 30 इज टू द डैश ऑफ 31. 31 के 30 कहाँ है? लेफ्ट साइड में. सेलेक्ट द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर एंड राइट देम इन बॉक्सेस विद जी फॉर द ग्रेटेस्ट एंड एस फॉर द स्मॉलेस्ट नंबर रिस्पेक्टिवली. ओके, इन सब में से देखना है हमें. फर्स्ट फर्स्ट नंबर देखना है. यहाँ 2 है, यहाँ है 1, 7, 9 और 1. सबसे बड़ा नंबर कौन है? 9. तो ऑब्वियसली ये जो डिजिट है वो क्या होगा? बड़ा होगा. ये आ जाएगा 95. स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा. अब देखो, स्मॉलेस्ट में तो यहाँ 1 है और यहाँ पे भी 1 है. तो हम सेकेंड नंबर देखते हैं, यहाँ है 4 और यहाँ है 8. कौन सा नंबर बड़ा हुआ? 8. यानी ये बड़ा नंबर है और ये छोटा, तो यहाँ आएगा 14. ओके, यहाँ देखिए 1, 9, 4, 2, 5. ऑब्वियसली 99, बिकॉज इट इज अ ग्रेटेस्ट नंबर. देन 1 वाला ये रहा 19, इट इज अ स्मॉलेस्ट नंबर. नाउ
एट सिक्स सेवन फोर थ्री, कौन सा नंबर बड़ा होगा? एट वाला, 85। एंड छोटा कौन सा होगा? 37। ओके, सो आई होप आपको कंपैरिजन समझ में आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और हमेशा ध्यान रखिएगा वन डिजिट नंबर जो है टू डिजिट नंबर से क्या होते हैं? छोटे होते हैं, और जो नंबर बड़ा होता है उसको क्रोकोडाइल खा जाता है, इसीलिए क्रोकोडाइल का मुंह हम उसके सामने खोलते हैं। ओके, थैंक यू।